है, वो एक अनपढ़ अयोग्य आदमी है, क्रिमिनल है, सातिर है और दलितों का विरोधी है, उसको त्यागने छोड़ने में ही हमारी भलाई है। ही इज़ ए वेरी डेंजरफुल पर्सन फॉर दी हमारे जो भाईचारे के लिए, हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ बहुत बड़े अधिवक्ता हैं जो बहुजन मूवमेंट्स की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ते हैं, आईआर सिंह जी। सिंह साहब जी, आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप एक बहुजन मूवमेंट से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज को प्रचलित करते हैं, प्रसारित करते हैं और जगह जगह उनका गुणगान भी करते हैं, लेकिन अभी जो ओबीसी के समाज से बाबा रामदेव थे, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी करी है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो रामदेव हैं वो दुनिया इस भारत के सबसे ज़्यादा दुर्गंधयुक्त जो व्यक्ति हैं और उनकी विचारधारा जो है ब्राह्मणवाद को पोषण करने वाली है और वो हमारे जो बहुजन समाज का है, जो बुद्ध की संस्कृति है, उसके वो खिलाफ़ हैं और जिस गुरु का पतंजलि का वो अपना प्रचार कर रहे हैं। पतंजलि पहले बहुत सारी विद्या पतंजलि ने बौद्धों से सीखी थी, इसलिए उन्होंने सरकार से मिलकर बौद्धों के, दलितों के, सुलकास्टों के और जो मानवता देश प्रेमी लोकतांत्रिक संविधानवादी लोग हैं उनके खिलाफ़ अनर्गल बातें करते रहते हैं और वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको विज्ञान की कोई रामदेव को सोच नहीं है। रामदेव पर अपने गुरु के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, बार बार ये आवाज़ पार्लियामेंट में देश में उठी है और ये वही रामदेव हैं जो आदमियों की हड्डियों को पीस कर चूर्ण बना खिलाते थे। ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी की, हमारी मार्क्सवादी विचारधारा की जो वृंदा कैरात थी, उन्होंने सवाल उठाया था, इसलिए इनकी जो रामदेव की इंटीग्रिटी डाउटफुल है और ही इज़ ए वेरी डेंजरफुल पर्सन फॉर दी हमारे जो भाईचारे के लिए, हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए रामदेव का जितना भी प्रोडक्ट है सब फर्जी हैं, कोई भी विज्ञान द्वारा आधारित नहीं है, उनको ख़त्म करना चाहिए और उसको रामदेव को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे हम शमशान में पड़ी हुई हड्डी को छोड़ देते हैं। सिंह साहब, आपने बताया, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी जैसे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बताया कि हम लोग दोबारा से 2022 के अंदर इलेक्शन से पहले गठबंधन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को तोड़ने की तो साजिश नहीं करी जा रही है कि यादव समाज से या ओबीसी समाज से बाबा रामदेव आते, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, रामदेव एक दुकानदार हैं, एक शास्त्रीय दुकानदार हैं, वो एक ऐसे दुकानदार हैं जो किसानों का भी एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, मज़दूरों का भी कर रहे हैं और वो जो अपने आप को अपना मार्केट से गेहूं या सरसों खरीद कर लोगों को दे रहे हैं, उनकी अपनी कोई खेती नहीं है, उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है। इससे जो देश के विकास के लिए मायावती जी का अपना जो एजेंडा है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ ए बिजनेस मैन, इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन एंड इज़ ए पपेट अंडर द हैंड्स ऑफ द बीजेपी। जो बीजेपी की सरकार है उनकी कठपुतली हैं और इतने और ये एक कायर पुरुष हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है और जाति के आधार पर इनका राजनीतिक कोई वजूद नहीं है। और दूसरी बात ये माता वो जो मायावती जी हैं वो सुप्रीमो हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उनका ये 100वां और 1000वां हिस्सा भी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह के बहुजन समाज के प्रगति में इनका कोई योगदान 0% भी रामदेव का नहीं है। वो एक अनपढ़ अयोग्य आदमी है, क्रिमिनल है, सातिर है और दलितों का विरोधी है, उसको त्यागने छोड़ने में ही हमारी भलाई है, उसके प्रोडक्टों को भी हमें छोड़ देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।